हाय गाइस, आज हम बात करेंगे जॉइंडिस के बारे में, जॉइंडिस जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं और इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि घर पर भी आप इसे कैसे देख सकते हैं, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट बढ़ा हुआ है या बिलिरुबिन इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है, तो क्या परेशानी आपको हो सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिलिरुबिन आया कहाँ से। देखिए, कुछ बिलिरुबिन यानी कुछ बिलिरुबिन का कुछ भाग हमारी बॉडी बनाती है और कुछ भाग हमारे आरबीसी टूटने की वजह से आता है, जो कि फर्दर एक अलग प्रोसेस के द्वारा चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जब हमारी आरबीसी टूटती है तो उसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम हीम कहते हैं। हीम दो में डिवाइड हो जाता है, जो कि एक पोरफायरिन होता है और एक आयरन होता है। आयरन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फर्दर, और उसमें से जो पोरफायरिन प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, एक टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन टाइप का होता है। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन डायरेक्ट जो है, अगर केवल ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, अगर ये वाला डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में खराबी है, या फिर लीवर की सेल्स हैं, या फिर ओवरस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वाइल है वहाँ पर ओवरस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें बिलिरुबिन इनडायरेक्ट की, यानी कि ये अनकंजुगेटेड है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ता है, जब पेशेंट की आरबीसी टूटती है। आरबीसी किन किन बीमारियों में टूटती है, जैसे मलेरिया हो जाता है कई मरीजों को टाइफाइड हो जाता है, या अदर इन्फेक्टियस डिसीजेस हैं जिनमें जो पेशेंट की आरबीसी से ब्लड है टूटने लगता है। जब ब्लड टूटता है तो वहां से, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बिलिरुबिन का एक प्रोडक्ट निकलता है, हिम निकलता है, जिसे हम दो में डिवाइड करते हैं, आयरन और पोरफायरिन। ये एक फर्दर एक प्रोसेसिंग होती है। सो फ्रेंड्स, हमने जाना डायरेक्ट बढ़ा हुआ है तो क्या कारण है, इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है तो क्या कारण है। फ्रेंड्स, एक बात और हम जानेंगे यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक गिल्बर्ट सिंड्रोम होती है, जो लीवर की सेल्स खराब होने की वजह से होती है या फिर अदर बीमारियों की वजह से होती है, उसमें भी ये बढ़ सकता है। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो SGOT टेस्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका लीवर में कोई खराबी है। लीवर में खराबी है यानी कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी है लीवर में, यानी कि लीवर में कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस कर रहा है, या फिर वहाँ पर लीवर की सेल्स डैमेज हो रही हैं, इसलिए ये SGOT और SGPT बढ़ता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो अल्कोहल की वजह से भी कई बीमारियों में ये दोनों बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना बिलिरुबिन के बारे में, और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको बाहर की चीज़ें खाने से बचना चाहिए। लीवर जो होता है, लीवर ज़्यादातर बाहर की खराब चीज़ें खाने से या फिर उल्टी सीधी डाइट लेने से ही खराब होते हैं, मोस्टली चांसेस होते हैं, या फिर हेपेटाइटिस बी है, या हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस ए है, इस तरह के इन्फेक्शन से भी लीवर डैमेज होता है। फ्रेंड्स, जब भी हमें पीलिया होता है, ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाहर की चीज़ें तुरंत बंद कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी नए टॉपिक में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।